जय माता दी। कैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, इस बार आपको जानकारी देने जा रहा हूं मीन राशि का मासिक राशिफल मई 2020 के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो बगैर किसी विलम्ब के। तो माता रानी की कृपा से काम काज में आपको शुरुआती दौर पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आप अभी कुछ नए करने की कोशिश में रहेंगे। जमीन, वाहन आदि के सट्टाबाजी या दस्तावेजों के कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है। संतान संबंधी कुछ सवालों में भी समय लगेगा। दोस्तों, थोड़ा इस समय रुकिएगा और आपको खुशियां जरूर मिलेंगी। थोड़ी सी बात यह है कि आपको शुरुआती दौर में महीने के 3 से 4 दिन को थोड़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होंगी, उसके बाद सभी समय पर कार्य होने लग जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को सहयोगी कर्मचारियों के साथ साथ वरिष्ठों का भी सहयोग प्रदान होगा और मार्गदर्शन भी मिलना शुरू हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये समय बहुत अच्छा है। कामकाज में कोई भी बदलाव का विचार या कोई नई शुरुआत को भी आप कर सकते हैं और इस विचार को जल्दी लागू करने में आप अत्यंत जल्दबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, बस इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी सफलताओं पर भी ध्यान देना है और अपनी योजनाओं को भी लागू करना है, इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें। आपके लिए कुछ वित्तीय लेन देन पूरे होने के साथ आपके पास पैसे भी रहेंगे। व्यापार को अच्छे अवसर मिलेंगे और इस कारण आपकी आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विदेश में रहने वाले किसी प्रियजन या मित्रों को आपको अच्छी खबर मिलती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ लाभ भी हो सकता है। प्रिय पात्रों के साथ आरामदायक समय बिताएंगे। प्रियजन के साथ यात्राएं आपकी यादगार होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करने में आपको जिद छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अनुकूल चरण है। प्यारे मित्रों, आपको स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी शिकायतें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने नियमित आहार को बदलते मौसम के अनुसार रखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कोई विशेष परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्यारे मित्रों, आइए अब विस्तार से जान लेते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। तो दोस्तों, प्रेम संबंध में आप अभाई गति से आप आगे बढ़ेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप बगैर किसी रुकावट के बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सार्वजनिक जीवन में आप काफ़ी सक्रियता होने के कारण जो जीवन साथी की तलाश में हैं उन्हें योग पात्र मिलने के अवसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दोस्त समूह में विपरीत लिंगों के पात्र शामिल हो सकते हैं। आपके दोस्तों की संख्या ऐसे लोगों के बीच हो सकती है जो आपके विपरीत लिंग के हों। उनमें से किसी योग पात्र के साथ प्रेम की शुरुआत हो तो आश्चर्यचकित न हो। हालांकि संबंधों में अभी अपने अहम और वर्चस्व की भावना को छोड़ने की आवश्यकता होगी। प्यारे मित्रों, आइए बात कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित। तो विद्यार्थियों में अभ्यास के प्रति उत्साह और जिज्ञासा दोनों होने के बावजूद धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। खासकर आलस्य के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। यदि आप समय पर अभ्यास करें, साथ ही साथ थोड़ा मनोरंजन के प्रति अपनाएं, तो आपको काफ़ी आराम के साथ ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार के लिए भी काफ़ी अच्छा समय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को थोड़ा सा काबू रखें तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभ्यास और अध्ययन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यवसाय और करियर राशि के लिए। व्यवसाय मोर्चों पर आप कुछ अनिश्चितताओं से गुजर रहे होंगे, इसलिए कोई भी नई शुरुआत, नया निर्णय आदि भावनाओं में आकर ना लेकर बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, शुरुआती दौर में आपको 4 से 5 दिन काफ़ी बचाव के साथ करना होगा। जो कानून दबाव
क्षमा करिएगा, जो कानून, दवा, सरकारी कार्य आदि में जुड़े हों, वे ज़्यादा लोगों से संपर्क में आएंगे, उनके कामकाज में वृद्धि भी होने की संभावना है। कामकाज के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राओं भी संभव होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस शुरू के 4 से 5 दिन आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादातर समय आपका चिंता मुक्त ही रहने वाला है। दोस्तों शुरुआत में हो सकता है स्वास्थ्य आपके साथ रहे या न रहे, तेज आपका बढ़ेगा। दोस्तों खासकर दांत, नाक, कान, गले की शिकायत होंगी, लेकिन यदि थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपनी मानसिकता उत्साह के लिए बहुत तेज़ी से कार्य करेंगे। किसी छोटी या उनके ज़्यादा समय व्यतीत करने पर आपको यात्राओं में लाभ होता हुआ दिखाई देगा तथा शरीर आपको काफ़ी ऊर्जावान होता हुआ महसूस होगा। मेरे प्यारे मित्रों कुल मिलाकर देखिए तो समय बहुत अच्छा है। मई आपके लिए लाया है खुशियाँ, इसलिए इसका आनंद लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।